दोस्तों स्वागत है आपका नमस्ते इंडिया न्यूज में। हम फिर आपके लिए उपस्थित है अपडेट वॉलेट न्यूज। हाँ दोस्तों, हम आज बात करेंगे आज दिन भर की यानी कि 10 सितंबर की सभी प्रमुख बड़ी खबरों की, वो मौसम पूर्वानुमान की। तो आइए जानते हैं आज की सभी बड़ी व खास खबरों को। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले कहना चाहूंगा, आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लें, वो बेल आइकन दबाएं जिससे आपको ऐसी अपडेट वॉलेट न्यूज मिलती रहे। दोस्तों पहली अपडेट न्यूज आपको निकल कर आ रही है क्लाइमेट वेदर से, मौसम विभाग से। संपूर्ण भारत का 10 सितंबर 2018 का मानसून व मौसम पूर्वानुमान। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं देश भर में कैसा बना हुआ है मौसमी सिस्टम। दोस्तों संपूर्ण देश में मानसून की अक्षीय रेखा अब अनूपगढ़, कम दबाव वाले क्षेत्र शिवपुरी, वाराणसी, पटना, जमशेदपुर, दीघा और बंगाल की पूर्वोत्तर खाड़ी की ओर जा रही है। पूर्व राजस्थान और आसपास के इलाकों में एक निम्न दबाव का क्षेत्र बना हुआ है। वहीं उत्तर पश्चिमी मध्य प्रदेश से हरियाणा होते हुए पंजाब तक एक तरफ रेखा जा रही है। वहीं एक चक्रवाती हौका क्षेत्र दक्षिणी गुजरात और उत्तरी कोंकण पर स्थित है। एक पश्चिमी विक्षोभ पाकिस्तान के उत्तरी हिस्सों और जम्मू कश्मीर पर है। अब जानते हैं पिछले 24 घंटों के दौरान मानसून का प्रदर्शन कैसा रहा देश में। दोस्तों पिछले 24 घंटों के दौरान देश में पूर्वी राजस्थान, अरुणाचल प्रदेश, ऊपरी असम पर मानसून सक्रिय रहा, वहीं जिससे मध्यम से भारी बारिश हुई। और सामान्य मानसून ने दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, उत्तर राजस्थान, उभिमालयी पश्चिम बंगाल और लोअर असम में हल्की से मध्यम बारिश दर्ज की गई। वहीं केरल, तेलंगाना, छत्तीसगढ़ और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को छोड़कर सभी जगहों पर हल्की बारिश दर्ज की गई है। अब जानते हैं आने वाले 24 घंटों के दौरान कैसा रहेगा देश में मानसून और मौसम का प्रदर्शन। दोस्तों आने वाले 24 घंटों के दौरान देश में मानसून के अरुणाचल प्रदेश, असम, नागालैंड, मेघालय, उपहिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम पर सक्रिय होने की संभावना है, जिससे मध्यम से भारी बारिश होने की उम्मीद है। वहीं इस बीच सामान्य मानसून उत्तराखंड, बिहार, झारखंड, शेष पश्चिम बंगाल, ओडिशा, दक्षिण कर्नाटक, उत्तर तमिलनाडु, दक्षिण रायलसीमा और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में मामूली बारिश होगी। वहीं पूर्वी राजस्थान, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तरी पंजाब, उत्तरी हरियाणा, उत्तरी प्रदेश, उत्तर मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश और गुजरात में मानसून की सक्रिय स्थिति देखी जा सकती है। वहीं दोस्तों यहाँ के लोगों के लिए सतर्क रहना है, यहाँ के लिए अलर्ट जारी है। अरुणाचल प्रदेश, असम, नागालैंड, मेघालय, हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम व अन्य इन जगहों पर जो है भारी से मध्यम बारिश होने की उम्मीद है। दोस्तों अगली अपडेट है आपके लिए बीबीसी न्यूज से, जिसमें अमित शाह कह रहे हैं 50 साल तक भाजपा को कोई हरा नहीं सकता। दोस्तों भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष अमित शाह ने रविवार को भाजपा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी में कहा कि 2019 में लोकसभा चुनाव तो वह जीतेंगे ही और उसके बाद 50 सालों तक कोई उन्हें हरा नहीं पाएगा। भाजपा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी के आखिरी दिन रविवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह के संबोधन के बारे में केंद्रीय कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने मीडिया को जानकारी दी। रविशंकर प्रसाद ने कहा कि यह कोई अहंकार नहीं, यह बात प्रदर्शन के आधार पर कही जा रही है। कार्यकारिणी में अमित शाह ने 2019 का चुनाव जीतने के लिए 9 करोड़ कार्यकर्ताओं से कहा कि वे 22 करोड़ परिवारों के घरों में जाएंगे और सरकार के 4.5 साल के कार्यों को प्रमुखता से रखेंगे। अगले अपडेट है दोस्तों आपके लिए, सभी को है सम्मान के साथ मरने का अधिकार। दोस्तों अगले महीने 2 अक्टूबर को रिटायर हो रहे सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश दीपक मिश्रा ने इच्छा मृत्यु पर अहम टिप्पणी की है। चीफ जस्टिस का कहना है कि कानून तौर पर कोई भी व्यक्ति आत्महत्या नहीं कर सकता, लेकिन किसी को भी सम्मान के साथ मरने का अधिकार है। शनिवार को पुणे में संवैधानिक अधिकारियों के संतुलन विषय पर आयोजित कार्यक्रम में चीफ जस्टिस मिश्रा ने कहा, अगर कोई इंसान कभी न ठीक होने वाली बीमारी से पीड़ित है तो वह इच्छा मृत्यु चाहता है तो वो इसके लिए अपने लिविंग विल बना सकता है। हर व्यक्ति का अपना अधिकार है और वह अंतिम सांस कब ले और इसके लिए उस पर किसी प्रकार का दबाव नहीं देना चाहिए। अगली अपडेट है आपके लिए, सीवर की सफाई करने उतरे 5 मजदूरों की मौत। दोस्तों राजधानी दिल्ली के मोतीनगर इलाके में सीवर की सफाई के दौरान 5 मजदूरों की मौत हो गई है। जानकारी के मुताबिक DLF निर्माणाधीन सोसाइटी में 5 कर्मचारी सफाई के लिए सीवर में उतरे थे। एक सफाई कर्मी ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। 5 कर्मचारी सफाई के दौरान बेहोश हो गए थे, जिसके बाद उन्होंने अस्पताल में भर्ती किया गया था, जहां सभी की मौतें हो गई है। अगली अपडेट है आपके लिए, पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों पर आज भारत बंद। दोस्तों पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों के विरोध में कांग्रेस ने आज भारत बंद की पहल की है। कांग्रेस का दावा है कि उन्हें 21 दलों का समर्थन हासिल है। बंद का समर्थन करने वाले दलों में सपा, बसपा, DMK समेत 21 दल है। कर्नाटक सरकार ने बंद के चलते सभी शिक्षण संस्थाओं में छुट्टी का ऐलान कर दिया है। सरकारी दफ्तरों में भी छुट्टी रहेगी, लेकिन दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार इस बंद में शामिल नहीं है। अगली अपडेट दोस्तों आपके लिए, भूख से मरेंगे 5 लाख से ज्यादा लोग। दोस्तों सेव द चिल्ड्रन चैरिटी के मुताबिक संघर्षरत देशों में 5 लाख से ज्यादा लोग सड़कों और लड़कियों की इस साल भूख से मौत हो जाएगी, क्योंकि संघर्ष में शामिल पक्ष उनकी मदद रोक रहे हैं।
चैरिटी का कहना है कि संयुक्त राष्ट्र के आंकड़ों के अनुसार संघर्ष की मार झेल रहे देशों में सिर्फ पिछले साल में 1400 बार सहायता रोकी गई थी और साल 2012 के मुकाबले ये आंकड़े दोगुना है। चैरिटी के मुख्य कार्यकारी केविन वाटकिंस का कहना है कि भूख को युद्ध का हथियार बनाना अब सामान्य हो गया है। दोस्तों यही आज की खास खबर है, जिन पर बनी रहेगी सबके, आप जानते हैं अगली अपडेट आपको निकल कर आ रही है। दोस्तों अगली अपडेट आपको निकल कर आ रही है टाइम्स नाउ न्यूज से, तो अब जानवर भी होंगे आधार से लिंक, चुटकियों में होगी मवेशी मालिकों की पहचान। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना है, अब जानवरों को भी आधार लिंक होगा, आधार कार्ड बनेगा। तो क्या है पूरी खबर, आइए जानते हैं विस्तार से। दोस्तों अब तक आपने बैंक अकाउंट और फोन नंबर जैसी कुछ जरूरी चीजों आधार से लिंक कराई होगी, लेकिन देश में जानवरों को भी उनके मालिकों के आधार से लिंक कराने की पहल हो गई है। सूरत महानगर पालिका ने आवारा पशुओं को विशेष रूप से गायों की सड़कों पर घूमने के कारण होने वाली परेशानियों से निपटने का नायाब तरीका निकाला है। इन पशुओं के कानों में एक टैग लगाया जाएगा, उस मवेशी मालिकों के आधार पर कार्ड से जोड़ी जाएगी। सूरत महानगर पालिका के बाजार अधीक्षक डॉक्टर प्रफुल्लत मेहता ने बताया कि मवेशी के कान में लगाए जाने वाले प्रत्येक टैग में एक मवेशी पंजीकरण संख्या CRN होगी। यह टैग मवेशी मालिक के आधार कार्ड से जुड़ा रहेगा। इसके माध्यम से निकाय के लिए ऐसे लोगों की पहचान करना, उन्हें दंडित करना आसान होगा जो अपने पशुओं को सड़कों और आवारा घूमने के लिए छोड़ देते हैं, जिससे लोगों को असुविधा होती है और यातायात बाधित होता है। उन्होंने बताया कि स्थानीय निकाय ने अभी तक शहर के करीब 25,000 आवारा मवेशियों को कान में टैग लगाया है, उन्हें 1500 मालिकों के आधार कार्ड से जोड़ा गया है। उन्होंने कहा कि हमने 1500 लोगों के करीब 25,000 मवेशियों का कंप्यूटराइज्ड डेटा तैयार किया है। CRN को मालिकों के आधार पर कार्ड से जोड़ा गया है। शहर का दायरा बढ़ाने के साथ ही आवारा मवेशियों की समस्या भी बड़ी है। मुझे लगता है कि हमें अभी और 25,000 मवेशियों को टैग करना होगा। उन्होंने कहा कि मवेशियों के कान में टैग के माध्यम से उनके मालिकों को आसानी से खोजा जा सकता है, क्योंकि डेटाबेस में उनका फोन नंबर और पता मौजूद होगा। मेहता ने कहा कि मवेशियों के मालिक अपनी मर्जी से टैग लगवाने के लिए नहीं आते, इसलिए हम सभी आवारा पशुओं को पकड़ते हैं, उन्हें टैग करके उन्हें एक CRN देते हैं। जब उनका मालिक अपने मवेशी को लेने आता है तो हम उसकी जानकारी लेकर उसे CRN के साथ छोड़ देते हैं। यदि मालिक के पास आधार कार्ड नहीं है तो उसे अन्य दस्तावेज जैसे ड्राइविंग लाइसेंस के साथ जोड़ा जाता है। वर्तमान में स्थानीय निकाय एक दिन में शहर के विभिन्न हिस्सों में करीब 70 आवारा पशुओं को पकड़ती है। दोस्तों अब जो है पशुओं को भी आधार कार्ड से जो है अटैच किया जाएगा। अगली अपडेट है दोस्तों आपके लिए, भारत बंद से लाइव अपडेट निकल कर आ रहा है। पटना में हिंसा, पप्पू यादव के समर्थकों ने बस में की तोड़फोड़। दोस्तों आज भी पेट्रोल डीजल के रेट में कमी नहीं आई है, बल्कि दाम और बढ़ गए हैं। पेट्रोल के रेट में 23 पैसे की वृद्धि हुई है, जबकि डीजल में 22 पैसे का इजाफा हुआ है। पेट्रोल डीजल की इन्हीं बढ़ती हुई कीमतों के खिलाफ विपक्ष ने भारत बंद को बुलाया है और पेट्रोल डीजल की आसमान छूती कीमतों के खिलाफ कांग्रेस समेत पूरे विपक्ष ने आज भारत बंद का आह्वान किया है। इस भारत बंद की अगुवाई कांग्रेस पार्टी कर रही है, जिसके साथ करीब 20 राजनीतिक पार्टियों का समर्थन है। हाल ही में सवर्णों ने SC/ST एक्ट के खिलाफ भारत बंद का बुलाया था और अब आज विपक्ष ने भारत बंद बुलाया है, यानी एक हफ्ते में दूसरी बार ये मोदी सरकार के खिलाफ बुलाया गया भारत बंद है। UPA चेयरपर्सन सोनिया गांधी, पूर्वी प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह समेत कई बड़े नेता आज धरना दे सकते हैं। कैलाश मानसरोवर यात्रा से लौट रहे कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी भी समर्थन में शामिल हुए। आपको बता दें कि भारत बंद से पहले राजस्थान की वसुंधरा राजे सरकार ने रविवार को ही अपने राज्य में पेट्रोल डीजल से 4% कम कर दिया था। इससे राज्य में पेट्रोल डीजल करीब 2.50 यानी कि 2.5 रुपये करीबन सस्ता हुआ था। दोस्तों इस प्रकार जो है भारत बंद की प्रक्रियाएं चल रही है, कहीं तोड़फोड़ हो रही है तो कहीं शांतिपूर्ण ढंग से जो भारत बंद की प्रक्रियाएं चल रही है। तो यह था आपके लिए खास लेटेस्ट लाइव अपडेट। अगली अपडेट दोस्तों आपको निकल कर आ रही है NDTV इंडिया से, दिल्ली से। नशे में चूर रईस जादे ने फुटपाथ पर सो रहे लोगों पर चढ़ाई कार, 2 की मौत। दोस्तों रविवार को तड़के करीब 4:30 बजे दिल्ली पुलिस को जानकारी मिली कि राजौर गार्डन इलाके में रिंग रोड पर ESI अस्पताल के सामने एक बड़ी दुर्घटना हुई है। जब पुलिस मौके पर पहुंची तो पुलिस को एक सफेद रंग की होंडा CV कार दुर्घटनाग्रस्त मिली और 4 लोग खून से लथपथ मिले, जिनमें 50 साल की महिला नूरा और कृष्ण कुमार दुबे की मौत हो चुकी थी, जबकि 55 साल का राम सिंह और 35 साल का मनोज बुरी तरह घायल था। राम सिंह ने पुलिस को बताया कि सभी 4 लोग फुटपाथ पर सो रहे थे, तभी एक तेज रफ्तार होंडा सिविक ने उन्हें सभी को रौंद डाला। पुलिस के मुताबिक हादसे के वक्त कार का ड्राइवर नशे में था, जिसे मौके पर ही पकड़ लिया गया। आरोपी ने कहा कि 23 साल के देवेश ने रूप में हुई, जो पश्चिम बिहार में रहने वाला है, एक बड़े कारोबारी का बेटा है, इसके पास ड्राइविंग लाइसेंस भी नहीं था। पुलिस ने देवेश को IPS की धारा 304 के तहत गिरफ्तार कर लिया है, मामले की जाँच जारी है। दोस्तों यदि आज की तमाम खास और बड़ी खबरें जिन पर बनी रहेगी सबके साथ ही आज का लेटेस्ट अपडेट भारत बंद का वो भी हमने जाना, इसी प्रकार की देश दुनिया की तमाम खबरों से अपडेट वॉलेट रहने के लिए सब्सक्राइब कर लें नमस्ते इंडिया न्यूज़ को, बेल आइकन दबाएं, जिससे कि आप अपडेट रहें देश दुनिया की तमाम खास छोटी मोटी वो बड़ी खबरों से। तो इस वीडियो में इतना ही, फिर आपके लिए उपस्थित होंगे अन्य जानकारी के साथ। तब तक के लिए दोस्तों खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, नमस्ते इंडिया।